अवैध गांजा का परिवहन करने वाले दो युवक चढ़े कुठला पुलिस के हत्थे। कटनी एसपी अभिजीत रंजन द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध अभियान के तहत थाना कुठला पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर गांजा तस्करी करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा 5 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजामय मोटर के 1,55,000 रुपए का पकड़ा गया एवं प्रकरण में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक वाहन चेकिंग के दौरान इंद्रनगर बाईपास के पास दो युवक मोटरसाइकिल से उतरकर भागने का प्रयास करने लगे। जब पकड़कर इनसे पूछताछ की गई तो पहले ने अपना नाम सतीश कुशवाहा उर्फ लल्लू कुशवाहा, पिता कैलाश कुशवाहा 32 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 15 शमशान घाट के पास लखनादौन जिला सिवनी व दूसरे ने अमित काछी पिता दयाराम काछी उम्र 24 वर्ष निवासी मानेगांव शंकर आटा चक्की के पास रांझी थाना जिला जबलपुर बताया। वहीं उक्त जब्त अवैध मादक पदार्थ गांजा की कार्यवाही एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मामला ये है कि कल वाहन चेकिंग के दौरान दो लड़के जो हैं वो संदिग्ध स्थिति में मिले, जो भागने लगे। जिनको पकड़ा और तलाशी वगैरह ली उनकी, तो उसमें एक बैग में से गांजा निकला है। तो दोनों लड़कों के खिलाफ जो है धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मोटरसाइकिल जब्त की गई है। मोटरसाइकिल का नंबर है MP20MM7828 और ये दोनों लड़के जो हैं इनका सतीश कुशवाहा है जो लखनादौन जिला सिवनी का रहने वाला है और दूसरा जो है अमित काछी पिता दयाराम काछी है, ये रांझी थाना क्षेत्र का मानेगांव जगह है वहाँ का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष जो है इनको पेश किया जाएगा। इनके बैग में से करीब 5.5 किलो गांजा जो है वो हमने जब्त किया है और कुल मिला के इस तरह से पुलिस को जो है एक बड़ी कुठला पुलिस को नए वर्ष में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।